हेलो एवरीवन, अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगी। एपिसोड 11 में हम देख चुके हैं डोहुन अपने पापा को देख डर जाता है और अब हम आगे देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 12 में हम देखते हैं कि चेयरमैन के आदमी डोहुन को वहां से पकड़ ले जाते हैं और चेयरमैन के पास ले आते हैं। चेयरमैन डोहुन के थप्पड़ मार कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे की लाइफ के साथ खेलने की? मुझे तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपनाना ही नहीं चाहिए था और तुम्हें सिंजिन में लाना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम अपने पापा के आसपास भी भटके तो? डोहुन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस पापा से मिलना चाहता था। आगे से ऐसा नहीं होगा इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है वो आज मेरी वजह से इतनी सीरियस कंडीशन में है, मुझे माफ़ कर दीजिए। चेयरमैन ये सुन हैरान थी क्योंकि जो इंसान पहले इतने गुस्से से धमकी दे रहा था वो अब माफ़ी मांग रहा है। डोहुन चेयरमैन से पूछता है, क्या जब मैं छोटा था तब मेरे पापा मुझे अब्यूज़ करते थे? क्या उस टाइम सिंजन फैमिली में कोई और बच्चा भी था? पता नहीं वो लड़का था या लड़की, पर क्या कोई था? ये सुन तो चेयरमैन का शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि वो पहले तो कह रहा था अब उनको सब याद है, अब उन उस बच्चे को सिंजन वापस कर देगा। अब वो खुद पूछ रहा है कि क्या सिंजन में कोई दूसरा बच्चा भी था। इधर रियोन सियोन की फोटो को छिपाता हुआ रिजिन के पूछने पर बताता है कि मुझे अपने नॉवेल्स के लिए अमीर फैमिली की डिटेल चाहिए थी तो मैंने इसलिए सिंजन और डोहुन के आर्टिकल्स रखे हैं। रिजिन कहती है, तो जिस प्लेन में डोहुन था तुम उसी प्लेन में क्यों थे? क्या तुम उसका पीछा कर रहे थे? रियोन कहता है, क्या तुम भी? क्या तुम मुझ जैसे प्रोफेशनल ऑथर की तारीफ नहीं कर सकती? कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। रिजिन पूछती है, कहीं तुम मल्टीपल पर्सनैलिटीज के ऊपर कहानियां तो नहीं लिख रहे? रियोन कहता है, तुम क्या मुझे लोगों की लाइफ के साथ खेलने वाला घटिया इंसान समझती हो? रिजिन पूछती है, तो तुमने मुझे डोहुन और सिंजिन का नाम पेरेंट्स के सामने लेने से मना क्यों किया? रियोन सोचने के बाद कहता है, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया बताने का। तुम ही ने कहा था ये प्राइवेसी है और अगर पेरेंट्स को पता चला कि तुम एक जवान अमीर लड़की के साथ रहती हो तो क्या होगा, इसके बारे में सोचा है? रिजिन पापा को देख उसके मुंह पर थपथप कर देती है। रिजिन के जाते ही रियोन चैन की सांस लेता है। रियोन सियोन की फोटो को जला देता है पर हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से नहीं चली थी। डोहुन टैक्सी से घर आता है पर उसे टैक्सी वाले की जगह अपने पापा दिखने लगते हैं और वो डरने लगता है। उसे उल्टी भी आ जाती है और रोता हुआ कहता है, क्या वो पापा थे? फिर वो घर आकर देखता है कि रिजिन नहीं है तो वो चीफान से पूछता है, रिजिन कहाँ है? मैं डोहुन छा हूँ, मैं वापस आ गया। चीफान खुश होते हैं और बताते हैं कि वो अपने घर गई हैं और जल्दी वापस भी आ जाएंगी। डोहुन कहता है, कहीं मेरी वजह से रिजिनों को तकलीफ ना हुई हो। चीफान पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों सोचा? डोहुन पूछता है, क्या छियोन ठीक है? इधर छियोन अपनी मम्मी से एंगेजमेंट तोड़ने को कहती है पर उसकी मम्मी मना करती है। तभी डोहुन का कॉल आते ही वो फोन उठाती है और उसके पूछने पर बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझे हर टाइम कॉल क्यों करते रहते हो? क्या तुम चाहते हो हम हमारे पार्टनर्स की पीठ पीछे छुप छुप कर मिलते रहें? डोहुन समझ जाता है कि ये सेंचुरी की चाल थी तो वो कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें जो भी कहा था उसका कोई मतलब नहीं था, मैं उस टाइम अपने होशोवास में नहीं था तो उस बात को सीरियस मत लेना। छियोन हैरान हो कहती है, क्या? चीफान डोहुन से कहते हैं, मैं पता करता हूँ कि सेंचुरी और चेयरमैन के बीच हुआ क्या था। डोहुन कहता है, 21 साल पहले जब आग लगी थी तो पता करो उस आग में मेरे अलावा सिंजिन में कोई और बच्चा था या नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। रियोन रिजिन को कहता है, और हाँ अगली बार अपनी कार लाना मत भूलना, तुम एक ऑथर को ड्राइवर बनाकर घूम रही हो। तो पापा कहते हैं, तो तुम रहने दो मैं छोड़ आता हूँ। तो दोनों एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, नहीं। रियोन कहता है, मैं इसे छोड़ाऊंगा। पापा कहते हैं, अरे वो पैरी ने कहा था वो जल्दी मिलने आएगा, वो अभी तक तो आया नहीं, एक मिनट रुको मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। तो दोनों एक साथ कहते हैं, अरे नहीं नहीं। पापा कहते हैं, तुम दोनों को प्रॉब्लम क्या है? मम्मी कहती हैं, मैंने उसे जो खाने को दिया था वो खत्म हो गया होगा,
उसे कहो हमसे मिलने आए। रिजिन कहती है, नहीं नहीं अभी भी उसका फ्रिज फुल है। रियान उसके पैर पे पैर रखता है तो वो कहती है, पापा और मम्मा मैं चलती हूँ। कार से जाते हुए रियान रिजिन को कहता है, तुम्हें उसे कभी कभी घर भी ले आना चाहिए, उसे हैंडल करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं, तो हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए उसकी फैमिली और फ्रेंड भी बन सकते हैं। रिजिन कहती है, रियानो। रियान कहता है, इमोशनल बनना बंद करो। अच्छा वो जो उस दिन मिला था वो कौन था? डोहुन छा से तो बहुत अलग लग रहा था और काफ़ी खतरनाक भी। रिजिन कहती है, न्यू सेंचुरी था, वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बाहर से खतरनाक लगता है पर अंदर से बहुत मासूम है। दरअसल तुम्हें उसकी दूसरी पर्सनैलिटी से बचकर रहना होगा। और योना के बारे में सोच कहती है, सच कहूँ तो है कोई, मैं तुमसे पहले से माफ़ी मांग रही हूँ। रियान डर कर कहता है, अरे क्यों, कौन है वो? छियान आकर डोहुन के गले लग कहती है, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, भले ही इसमें मेरी बदनामी क्यों ना हो जाए। तभी वहाँ रिजिन आती है, ये देख वो रियान से कहती है, गाड़ी रोको मेरे भाई, वो पागल सेंचुरी मेरी कोई बात क्यों नहीं मानता। रियान उधर देख कहता है, कितना मेलोड्रामा है, लेकिन लगता है तुम्हें एक्शन चाहिए, क्या चल रहा है ये? रिजिन कहती है, अब तुम जा सकते हो, मेरी लव वार शुरू हो चुकी है। डोहुन उसे हटा कहता है, छियान एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। और भागती हुई उनकी तरफ आती हुई कहती है, हे डोहुन छा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। उसे देख डोहुन का तो मुंह खुला ही रह गया था और वो उन दोनों के बीच आकर कहती है, तुम कब सुधरोगे? क्या मुझसे लड़ाई करने के बाद तुम ऐसी लड़की के साथ बात करने लगोगे जो पहले से इंगेज्ड है? रिजिन छियान से कहती है, मुझे माफ़ करिए मैनेजर, हमारे बीच लड़ाई हुई थी और ये काफ़ी पीकर आपके घर चला गया था, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। डोहुन कहता है, देखो रिजिनो। तो रिजिन उसका कान पकड़ कहती है, मैं अभी इसे लेकर जाती हूँ और इसे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। और छियान से कहती है, तुम मुझे माफ़ कर देना और इसको भी। और उसे खींच कर अंदर ले जाती है और गुस्से से कहती है, मिस्टर सेंचुरी क्या तुम भूल गए? मिस्टर चा की रेपुटेशन खराब नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे 10 पॉइंट्स काट दूंगी। डोहुन पहले तो हैरान था फिर हंस पड़ता है। रिजिन कहती है, तुम हंस रहे हो? मिस्टर चा की एक्टिंग करते करते तुम्हारी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो गई है, तुम्हें तो एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। और उसे गौर से देख कहती है, मेरा मतलब तुम थोड़ा बहुत उनकी तरह दिखने लगे हो, है ना? डोहुन उसका हाथ पकड़ कहता है, मैं मिस्टर चा हूँ, मैं वापस आ गया। रिजिन की आंखों में आंसू देख डोहुन कहता है, इसका मतलब मुझे वापस देख तुम्हें खुशी नहीं हुई? रिजिन उसे मारकर रोती हुई कहती है, तुम्हें वापस आने में इतनी देर क्यों लगी? मैं इतना डर गई थी, मुझे लगा तुम वापस नहीं आने वाले। डोहुन उसे रोता देख गले से लगा कहता है, अब मैं वापस आ गया ना, अगली बार कभी आने में देर नहीं करूँगा। रिजिन कहती है, अगर तुम मिस्टर सेंचुरी हो और मिस्टर चा की एक्टिंग कर रहे हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। डोहुन उसके माथे पर किस कर उसे छुपाता है। नेक्स्ट डे रिजिन डोहुन को सेंचुरी ने जो जो किया था सब बताती है। तो डोहुन पूछता है, क्या तुम्हें पता है सेंचुरी और छियान में क्या हुआ था? रिजिन कहती है, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा सेंचुरी ने कहा था और मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। डोहुन कहता है, तुम सेंचुरी पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर रही हो। रिजिन कहती है, तुम फिर से जेलस हो रहे हो, इस बार तो तुम मना भी नहीं कर रहे। मेरी मम्मी ने मुझे इतना अच्छा क्यों बनाया है कि सब मुझे ही पसंद करते हैं। फिर डोहुन उस स्पिनर की तरफ इशारा कर कहता है, अब ये क्या है? तो रिजिन उसे सारी बात बताती है। डोहुन पूछता है, तो रिजल्ट क्या आया? फिर वो उसे रिजल्ट बताती है तो डोहुन खुश होकर कहता है, इसका मतलब भगवान सच में है। रिजिन कहती है, उसके बाद क्या हुआ जानते हो? मैंने वो चांस नहीं गिना। तो डोहुन कहता है, तुम भगवान के खिलाफ क्यों गई? रिजिन कहती है, इसके बदले में सेंचुरी ने मेरी बात मानी और मैं उसे कंट्रोल कर पाई, तब जाकर मिस्टर सेंचुरी ने तुम्हारे जैसा बनने की एक्टिंग की, इसलिए मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है। डोहुन को तैयार होते देख रिजिन कहती है, अगर तुम स्टाइल चेंज करते रहे तो लोगों की नज़रों में आ जाओगे, एक काम करते हैं तुम अपना स्टाइल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सेंचुरी जैसा कर लो। तो डोहुन काफ़ी मना करने के बाद अपने कपड़े चेंज कर ही लेता है। रिजिन कहती है, बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और बालों को छूकर कहती है, लेकिन बालों को थोड़ा सा ऊपर कर लो। डोहुन उसका हाथ रोक कहता है, देखो रिजिनो, मैं सेंचुरी की तरह इगोस्टिक और स्टाइलिश नहीं हूँ। रिजिन कहती है, कोई बात नहीं।
एक ही हेयर स्टाइल ऊपर और एक ही नीचे, पर दोनों ही अड़ियल हैं। उनके कंपनी में जाते ही लड़कियां डोहन को देख हंस रही थी, तो रिजिन उसे कहती है बस उन्हें देख स्माइल करो और थोड़ा हाय हेलो कर दो। तो डोहन ऐसा ही करता है, जिस पर लड़कियां खूब खुश होती हैं। डोहन कहता है इन सबको क्या हुआ। रिजिन बताती है इन्हें तुम बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, एक तुम ही हो जिसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है। सेंचुरी सबके सामने बहुत ही स्टाइल मारता था। तभी चीफ मिन आते हैं और उनका हुलिया देख डोहन और रिजिन दोनों हैरान थे। चीफ मिन कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट आपने अपनी स्टाइल फिर से चेंज कर ली, हम जैसे फैशनेबल लोग ही एक दूसरे को पहचान सकते हैं। और फिर स्टाइल मारते हुए लिफ्ट में चले जाते हैं। रिजिन डोहन को कहती है देखा तुमने, तुम्हें भी लोगों के सामने स्टाइल मारना शुरू कर देना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहो। फिर रिजिन डोहन को बताती है वो GI है जिसे सेंचुरी ने मूवी में लीड रोल दे दिया, पर उसकी एक्टिंग बहुत ही घटिया है। डोहन कहता है अरे बाप रे। तभी GI उसका हाथ पकड़ कहता है थैंक्स, तुम एक ही ऐसे इंसान हो जिसने मेरे अंदर के टैलेंट को देखा है। उससे मुझे इतनी खुशी हुई थी कि इसलिए मैंने सोचा मैं नीचे से शुरुआत करूंगा, मैं मूवी में लीड रोल करने से मना करता हूँ, लेकिन तुम एक बार वो करोगे। डोहन हैरान हो पूछता है वो क्या। GI कहता है तो ये है क्या, प्लीज करो ना। रिजिन डोहन से कहती है अरे कर दो कर दो। डोहन कहता है तो ऐसा है क्या। GI डोहन को थैंक्स कर गले लगा लेता है। कीजुन कहता है वाइस प्रेसिडेंट ने GI का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया, वो भी बिना लीड रोल दिए, तुमने तो उसे किसी तरह से कन्विंस कर लिया, वरना तो वो किसी की भी नहीं सुनता। डोहन कहता है वो तो बस ऐसे ही, सब उसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। डोहन चीफान को कहता है सेंचुरी ने इस बार कोई गड़बड़ी नहीं की, बल्कि वो तो मुझसे भी ज़्यादा काबिल है। चीफान कहते हैं कहीं ना कहीं ये आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि सेंचुरी को पूरा विश्वास होता है कि उसकी खड़ी की गई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे, इसलिए जो उसके मन में आता है वो वैसा ही करता है। आखिर में सेंचुरी और डोहन तो एक ही इंसान है, क्या इसका मतलब ये है कि आपको खुद पर पूरा भरोसा है। और सबसे ज़रूरी काम तो डॉक्टरों ने किया था, वो किसी को भी आराम से बहला सकती हैं। कीजुन डोहन का कॉलर पकड़ कहता है तुम हर रोज़ अपना कॉन्सेप्ट चेंज करना बंद कर दो और एक इंसान की तरह रहो, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। डोहन कहता है कभी कभी इंसान अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, मैं उस मीटिंग में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था इसलिए ये सब हुआ। कीजुन कहता है तुम छियोन के घर के बाहर क्या कर रहे थे, उससे मिलने की कोशिश। डोहन कहता है लगता है तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, सच कहूँ तो मेरे दिल में छियोन के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए अपना गुस्सा मुझ पर मत उतारो, तुम बौखला गए हो। चीफ मिन का हुलिया देख कीजुन कहता है ये क्या है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ कोई पार्टी चल रही है। चीफ मिन कहता है मुझे माफ करिए मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, और बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि वाइस प्रेसिडेंट का अमेरिका में एक कॉलेज बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम एलेक्स, पर पता नहीं इसके पीछे कारण क्या है कि ग्रेजुएशन से पहले उन्होंने बातचीत बंद कर दी। अजीब बात यह है कि ये सब होने से पहले वाइस प्रेसिडेंट ने एलेक्स के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए थे। कीजुन कहता है जल्दी से एलेक्स को कॉन्टैक्ट करो। छियोन रिजिन को पूछती है क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारा सिर्फ यूज हो रहा है, तुम्हें पता है उस रात डोहन जब मेरे पास आया था उसने क्या कहा था, अगर तुम्हें पता चला तो क्या ये जानकर भी तुम उसके साथ रहोगी। जब जब डोहन ने मुझे दूर किया है तब तब तुम्हारे पास गया है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे पूरी तरह से भूलकर तुम्हारे पास जाना चाहता है। रिजिन कहती है मुझे लगा था प्रेसिडेंट कीजुन के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, मुझे नहीं पता तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो। तभी रिजिन को डोहन का कॉल आता है तो वो वहाँ से चली जाती है। डोहन और चीफान CCTV रिकॉर्डिंग देखते हैं जो न्यू सेंचुरी और चेयरमैन की थी। डोहन कहता है आखिर सेंचुरी करना क्या चाहता था। फिर वो ऑडियो सुनते हैं जिसमें सेंचुरी ने कहा था पापा को दूसरे बच्चे को बचाना चाहिए था। तो डोहन कहता है दूसरा बच्चा। चीफान बताते हैं कि हम उस बच्चे की जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अजीब बात यह है कि 21 साल पहले की एम्प्लॉयज़ की आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बन गई है। डोहन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, सिंगजिन में किसी को भी ऐसे ही काम पर नहीं रखते, जिन्हें रखते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। चीफान बताते हैं कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ये सब जानबूझकर किया है। चेयरमैन डॉक्टर सुख से डोहन के बारे में पूछने आती है कि क्या उसे कोई डिसीज है।
तो डॉक्टर सुख बताते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशन में होता है तो वो अपनी यादों को भूलने के लिए पर्सनैलिटीज चेंज करता है, यानी ऐसी पर्सनैलिटीज बनाता है जो उससे बिल्कुल अलग हों, जिससे वो अपनी यादों को कहीं छुपा सके। सीधे सीधे कहें तो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये सुन चेयरमैन शॉक में थी। डोहन के पूछने पर रिजिन बताती है कि सेंचुरी के अकॉर्डिंग जब तुम्हें अब्यूज़ किया गया था तो तुम्हारी मॉम सिर्फ चुपचाप देखती थी और वो ये सब सिंगजिन कंपनी में जुड़े रहने के लिए करती थी। आज भी वो ऐसा ही करती हैं। ऐसा लगता है सेंचुरी और तुम्हें किसी ने बचपन में अब्यूज़ किया था। डोहन कहता है, तुमने ये बात अब तक मुझे क्यों नहीं बताई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पास्ट को हैंडल नहीं कर पाऊंगा? रिजिन कहती है, मैं तो बस इस बात से डर रही थी कि जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम अब्यूज़ हुए थे तो तुम्हें शौक लगेगा। डोहन कहता है, मुझे ये पता है और मैं ज़रूर ढूंढ लूँगा। उसके बाद मुझे एक और चीज़ ढूंढनी है, एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मैं और स्ट्रांग हो जाऊँगा और मुझे सेंचुरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शीशे में से सेंचुरी डोहन को कहता है, क्या सोच रहा है बीड़ू, क्या यह तेरा पास सेटल करने का टाइम है? डोहन कहता है, मैं यही सोच रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी यादों को समेटने जा रहा हूँ और वो सब कुछ पता करूँगा जो मुझसे छिपाया गया है। सेंचुरी कहता है, ये तू करेगा या तेरे को लगता है अपन संभाल ले? तेरे को लगता है तेरे में हिम्मत है यादें हैंडल करने की? डोहन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं हैंडल कर पाऊँगा, तुम्हारी यादें मेरी भी हैं, अगर तुम हैंडल कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम ही मैं हूँ डोहन छा। चीफान डोहन को बताते हैं, उस बच्चे को आपके अलावा भी दो लोग और ढूंढ रहे हैं, योंगप्यो छा और दूसरी आपकी मॉम। ये सुन डोहन हैरान था। चेयरमैन चीफान को फ़ोन कर डोहन को घर बुलाती है। ये सुन डोहन कहता है, क्या मेरे पापा को कुछ? और वो नीचे गिर जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। चीफान और रिजिन पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? अचानक से क्या हो गया? डोहन कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चेयरमैन के घर जाते हुए रिजिन डोहन से कहती है, परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, उस बात के लिए तुम जिम्मेदार थोड़ी ना हो, वो सब तो सेंचुरी ने किया था। अगर ऐसी बात है तो सच बता दो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ग्रैंडसन की जान लेंगी? तुम स्ट्रांग बनने वाले थे ना, इस तरह तो तुम सेंचुरी को कभी हरा नहीं पाओगे। डोहन चेयरमैन से पूछता है, क्या मेरे पापा सही सलामत हैं? चेयरमैन कहती है, तो तुम्हें याद आ ही गया तुमने अपने पापा के साथ क्या किया था। डोहन चेयरमैन को बताने लगता है कि मुझे एक मेंटल प्रॉब्लम है। तभी चेयरमैन कहती है, अमेरिका वापस चले जाओ, तुम्हें तो खुद पता नहीं कि आज क्या हो और कल क्या बनोगे, मैं किसी कमज़ोर को सिंजन नहीं दे सकती। डोहन कहता है, तो क्या आपको पहले से पता है? चेयरमैन कहती है, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम एक शैतान बन चुके हो, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुमने अपने पापा के साथ क्या किया है, रिज़ाइन करो और अमेरिका चले जाओ और अपनी माँ को साथ लेकर जाना। डोहन कहता है, दादी माँ, क्या आपने कभी मुझे अपना ग्रैंडसन माना है? क्या आपने पापा के ऑप्शन के अलावा मुझे कभी कुछ माना है, आपका ग्रैंडसन या फैमिली मेम्बर या किसी भी इंसानियत के नाते? चेयरमैन कोई जवाब नहीं देती। डोहन कहता है, चेयरमैन, मैं कहीं नहीं जा रहा, अगर आप कहें तो मैं ये कंपनी भी छोड़ दूंगा पर कोरिया में ही रहूँगा, मैं अपनी यादें वापस लेने जा रहा हूँ, लेकिन मैं पापा का कोई सब्सिट्यूट नहीं हूँ, मैं ना तो सिंगजिन का कोई पालतू कुत्ता हूँ और ना ही कोई शैतान, मैं तो बस डोहन छा हूँ और कुछ नहीं। इधर रिजिन नौकरानी के कहने पर तहखाने में आकर वाइन बॉटल लेने आती है। वो बॉटल लेकर जाने लगती है तभी उसे हेलुसिनेशन होता है कि एक बच्ची दीवार पर ड्राइंग कर रही है, तो वो कहती है, ये क्या है, क्या है ये सब? और वो बच्ची पीछे मुड़कर देखती है और ये बच्ची कोई और नहीं रिजिन ही है। रिजिन उसे देखती रह जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।